ज्योतों तुलसी कृपाल चरण शरण आए गौरा। हे प्यारे, मेरे आपके अनेक रिश्ते नाते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वो मान के आप आ जाए। कौन कौन से नाते रिश्ते हैं? तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुण्य हारी। तू दयालु दीन हो, आप सारे संसार के कण कण के जीवों के दाता हैं, और प्रभु मुझसे बड़ा भिखारी संसार में कौन होगा? माता पिता ने ठुकरा दिया, संसार के लोगों ने ठुकरा दिया, कोई तो मेरा संसार में नहीं है। अगर प्यारे कोई भी संसार मेरा होता तो आज मैं ये दुर्दशा होती। तुम दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी। हे प्यारे, आप संसार के सारे ब्रह्मांड के जीवों के दाता हैं, और मैं सारे संसार में भिखारी हूं। तू दानी हो, भिखारी हूं, प्रसिद्ध पाद की तू पाप पुण्य हारी। मैंने कोई पाप किया होगे भगवान जो मेरी दुर्दशा हो रही है? लेकिन आप तो सारे पापों का विनाश करने वाले हरि हैं। हे भगवान, संसार भला मेरा कौन है? भगवान से बातें कर रहे हैं, आंखों से आंसू निकाल रहे हैं, हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं, सारे जगत को छोड़ दिया। जगत को छोड़ दिया, सांवले तेरे पीछे। जगत को छोड़ दिया, प्रभु बोले, लक्ष्मी मेरा एक छोटा सा भक्त है,
और मैं तो भक्तों की अधीन रहता हूँ, भक्तों के वश में रहता हूँ। भाषण मारू छान सवाऊ बेच तो बिक जाऊ, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊ। कल न पड़े भक्तन बिन मोहू, मुझे उनके बिना चैन नहीं पड़ता। कल न पड़े भक्तन बिन मोहू, और जो चाहे बन जा, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊ। भक्तन हाथ बिकाऊ, सदा रहे सदा करूं उनकी रखवाली। हे लक्ष्मी, खाने की पीने की रहने की उनकी श्वासों की सदा करूं तिन्ही रखवाली, और तिन्ही नन्हे के बिसारूं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। भक्तन हाथ बिकाऊं। तो महाराज, रोने वाली कौन सी बात है, ये कोई समस्या तो नहीं है, क्या करूं? वो निश्चय कर बैठा है, या तो मेरी प्राण निकल जाएगी या फिर मैं या मुझे देखेगा, ऐसा निश्चय कर लिया। तो भगवान, चलो चलते हैं वहां पर। हाँ लक्ष्मी, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो वो ना जीने को तैयार ना मरने को तैयार, ऐसा निश्चय कर लिया है। लक्ष्मी नारायण दोनों पधारे। बेटा, हम तुम्हारे सामने आ गए हैं, देखो। ध्रुव ने सोचा, मैंने घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, यहां भी लोग आ गए, तो पीछे मुंह कर लिया। प्रभु ने कहा कि बेटा, जिनका भजन कर तू, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। ध्रुव ने पीछे मुंह कर लिया। प्रभु अंतर्यामी है, जान गए कि ध्रुव की हृदय में मेरी झांकी है। सो ठाकुर जी ने उस झांकी को जैसी बाहर निकाला, फिर छटपटाए ध्रुव। अब देखा कि युगल सरकार सामने खड़े हैं, अब कुछ भी तो नहीं आता है, ना बोलना आता है, ना नमस्कार करना, ना कहां से आए हो, पूजा करूं कि नमस्कार करूं कि खाने को, कुछ भी तो नहीं आता है। सो देख कर खड़े हैं। अच्छा, प्रभु का नाम है अंतर्यामी। भगवान ने अपना शंख लिया, उसके गालों में स्पर्श करा दिया। अब चारों वेदों का विद्वान हो गए और साष्टांग प्रणाम के रोने लग गए। ध्रुव जी रो रहे हैं तो प्रभु भी रोने लग गए। ध्रुव ने बड़ी सुंदर वंदना की कि महाराज, यूं तहा प्रवेश मम वाजिनां प्रसुप्तां संजीवत कल शक्ति धारा सुदान अन्य सहस्त चरण श्रवण स्तगादि प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। क्या बढ़िया वंदना की भगवान, और लगे परेशान हो गए। महाराज, मेरे पास जल नहीं है, फूल नहीं है, आरती नहीं है, भोग नहीं है, और कुछ भी नहीं है। प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। केवल मेरे प्राण है प्रभु, प्राण को आप स्वीकार कर लो तो अच्छा होगा, और क्या है गरीब बात, मैं किसी भी लायक तो नहीं। प्रभु ने ध्रुव को अच्छा दिन चिपका लिया। बेटा, जिसका कोई नहीं होता उस पर नहीं कब होता, तू क्यों घबराता है बेटा, बोल चाहिए क्या? ध्रुव जी बोले, महाराज अब चाहिए क्या, जब आप देने वाले संसार के मालिक के सामने खड़े, अब संसार में क्या मांगो, झूठी वस्तुएं जो छोड़ देने वाली हैं, बिगड़ जाने वाली, ये समाज में क्या मांगना। तो प्रभु ने कहा, बेटा अब तुम कुछ मांगोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ध्रुव ने क्या प्यारा वरदान मांगा, प्रभु मेरी माँ का उद्धार कर देना, अगर वो धक्का ना देती तो मैं आपके चरणों में कैसे गिरता करके। मेरी माँ ने ऐसा धक्का दिया, ऐसी वाणी बोली, प्रभु
मेरा दिल टूट करके और आपके चरणों में गिरा, मेरी माँ का उद्धार कर देना। प्रभु ने कहा मैं पहले ये 30 पीढ़ी का उद्धार करता हूं और फिर जब भक्त मुझे बुलाता है तो मैं फिर उसको दर्शन देने आता हूं। बेटा तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, तुम्हारे भाई की 30 पीढ़ी के लोग बैकुंठ चले गए, उनका उद्धार हो गया। ध्रुव ने कहा महाराज मुझे ऐसी कृपा करो आपके नाम पर मेरा भरोसा बनता जाए, नहीं मैं वरदान मांगता हूं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा हम वरदान देते हैं कि ध्रुव रूप तुम्हें दिया, जहाँ सारे देवता परिक्रमा करते हैं और सारे देवता जहाँ वंदना करते हैं सब ध्रुव लोग मैंने दिया, ये भी आज्ञा है, वहां तुम क्या करोगे जाकर? यहाँ भक्ति का प्रचार करो, प्रेम का प्रचार करो, मानवता का प्रचार करो। 36,000 वर्ष ध्रुव जी महाराज मानवता और भक्ति प्रेम का प्रचार करते करते जब अंत समय आया तो मृत्यु सामने आई। मृत्यु ने कहा महाराज मुझे क्या किया है, मैं क्या सेवा करूं आपकी? तो ध्रुव जी ने कहा जब तुम मेरे विमान के नीचे सिर नीचे करके बैठ जाना, मैं तुम्हारे सिर पर पैर रख करके विमान पर बैठ जाऊंगा। जिन्हें भगवान के नाम पर भरोसा बन जाता है मृत्यु तो उनकी सेवा करने आती है, काल बन के नहीं आती है, डराती नहीं है, प्राण को नहीं निकालती है, सेवा करने आती है, सहायता करने आती है, देवता बन के आती है, प्रेम बन के आती है। ध्रुव जी महाराज के वैकुंठ में बैठने पर इनके वश में प्रथु महाराज हुए और प्रथु महाराज के बाद अब गादी खाली। तो ब्रह्मा जी महाराज जो मनु महाराज के दूसरे बेटा हैं जंगल से लाए गए, बेटा जंगल में तपस्या नहीं होती है, तपस्या तो हमारी मन से होती है। हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माया छोड़ दी, हमारी मन ने तो नहीं छोड़ा, मन में सब बसा हुआ है। तो पिताजी क्या करें, क्या आज्ञा है? चलो बेटा राज्य में नियम पूर्वक मर्यादा पूर्वक पालन करने का नाम ही धर्म है और जीवन का कल्याण है। हमारे जीवन में गृहस्थी पालन करना कोई पाप नहीं है, बच्चे पालना काम करना कोई पाप नहीं है, धन कमाना पाप नहीं है। तो पाप क्या है? जब उसमें हमारा लोभ जुड़ जाता है, जब हमारी ममता और मोह जुड़ जाती है तो वो हमारे जीवन को दोषी बना देता है और पाप बना देता है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने हमें विवेक पूर्वक जीने की आज्ञा दी है, जंगल में जाने की आज्ञा नहीं दी है। प्रियव्रत महाराज राज में बैठे, बड़े बड़े चक्रवर्ती योद्धा परिवार में आए, अब सारी सृष्टि को बताया कि पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर भी लोक, पृथ्वी के उत्तर में 3 विशाल पर्वत हैं, जिस पर्वत पर वामन भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने पहचान लिया और धोकर कमंडल में रख लिया, उनका नाम गंगा महारानी। भागीरथ जी ने जब तपस्या की तो गंगा जी जब आती है तो सुमेरु पर्वत पर धारा पड़ती है, 4 धाराएं बनती हैं जो दक्षिण यानी गंगा महारानी है, सीता, अलकनंदा, चक्षुभद्रा। गंगा महारानी सारे जगत को पुनीत पावन करने वाली है। गंगे गंगे तियो भूया योजना नाम सतैरपि, गंगा गंगा बोलने में हमारे पाप कांपने लगते हैं और जो गंगा में स्नान करता है सारे पाप कट जाते हैं। ऐसा नहीं कि साल भर गोलगप्पे खाते रहो गंगा में नहाया तो सब कट जाएगा, ऐसा नहीं। अनजान में एक बड़ा कंजूस ज्यादा गंगा नहाने चला गया, अब वहां किनारे पर भगवान शिव जी पंडा बन के निवास करते हैं, इसका कल्याण करना है। लाला जी को दान करो, को छोड़ो हाथ से, बोले मैंने आने छोड़ दिया कोई बात नहीं। अरे ऐसा नहीं, कुछ छोड़ो हाथ से, अच्छा उधार कर लो, 1,000 रुपया उधार लिखा दिया,
उल्टा पता लिखा गया कि जीवन पंडित मर जाए ढूंढते ढूंढते घर न मिले। अरे भोलेनाथ है घर में आके बैठ गए। लाला बोला तू रोने लगे, ये देवी को बड़ी कला होती है, एक मिनट में रोना शुरू करते हैं, एक मिनट में गाना शुरू करते हैं, एक मिनट में चैन सब काम हो जाता है। अच्छा रोने लगे कि मेरे लाला जी तो आए और पता नहीं क्या हुआ, सांस ही बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, हे परमात्मा क्या होगा। वो सोची कि पंडित जी भाग जाएंगे। पंडित जी बोले मेरा प्यार बहुत था उनसे, अब तो मैं संस्कार ही करके जाऊंगा। रस्सियां ले आए, मोहल्ले वालों को ले आए, लकड़ियां ले आए, चिता बनाई रखा। सेठानी बोले वो जलाने को तैयार, बोलो क्या होगा। मैं बोले मैं मरने को तैयार, सभा कौन देगा मेरी। कई लोग इतने पक्के होते हैं कि वो सभा रुपया नहीं दे सकते हैं, मरने को तैयार है। और बताओ क्या बोले मैं मरने को तैयार है, सभा रुपये दिल कहां से लाऊंगा मैं। शंकर जी ने क्या किया, पंडित जी बने थे लगा दिया आग, घी डाल दिया उसमें, अब पैर जलने लगा। सेठानी बोली अब बताओ क्या करना। बोले मुझे कुछ नहीं करना, मेरा फैसला पक्का है, मैं सवाल भी नहीं दे सकता हूं। दान करना, दान तो पुण्यों से होता है, अच्छी कमाई से होता है, दो नंबर से एक नंबर में होता है। जलने लगा तो भगवान शिव जी ने डमरू लिया और त्रिशूल लिया और भैया तू अब चिंता ना कर, मैंने समारोह को छोड़ दिया, तू जले मत बाहर आ जा, कोई बात नहीं। बोले मुझे विश्वास नहीं, मुझे वरदान दो। बोले क्या वरदान है। बोले लिखा पढ़ी कर लो, समारोह पे मैंने छोड़ दिया सबके सामने, तब तो बाहर आऊंगी तो बाहर आने को तैयार नहीं। शिव जी बोले सभा माफ कर दिया, सभा और ले ले भैया, मर मत, कोई बात नहीं, ये गंगा जी की महिमा है। बोलो गंगा महारानी। अच्छा गंगा जी की मिट्टी की बड़ी महिमा है, कोई रोगी हो, बीमार हो, तड़प रहा हो, प्राण ना निकाले हो, कंठ में प्राण अटके हो, घुरघुरा रहा हो, उसके गले में मुख में गंगा की मिट्टी डाल देना, तुरंत प्राण निकल के वैकुंठ धाम चला जाएगा। ऐसा नहीं करना कि सास बहू का शाम को झगड़ा हो जाए और रात को बहू उठे 2 बजे और जो मिट्टी लाए थे हरिद्वार से सास के मुंह में डाल के होने सो जाए बिस्तर पर। हे परमात्मा ऐसा नहीं। गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, श्री गंगा मैया जब देखो तब शरीर हमारा दुखी करता है, परेशान करता है,
इस शरीर को भी नर्क माना गया है, तो महाराज मुझे भी नर्कों में जाना पड़ेगा। सुखदेव जी बोले, बेटा तुम्हें नर्कों में नहीं जाना पड़ेगा। बोले, क्यों? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने बड़े बड़े कर्म बिगाड़े हैं। तो हे राजन, एक अजामिल बड़ा शराबी आदमी था, संत आ गए, बेटे का नाम नारायण रखा, दिन भर वो नारायण 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 जपने लगा। यमराज के दूत मारने को आए तो भगवान के पार्षद आए, मरते समय अपने बेटा का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। यम के दूतों ने कहा, महाराज वो तो अपने बेटा को बुला रहा था, भगवान वही बुलाए। तो धर्मराज ने कहा, वही कुंठ नाम ग्रहणम शेषा गहरम विदुः।